आप लोगों ने आज जो हमको जो हमारे देश में और हमारे राज्य में जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है और इस महामारी के चलते, इस पैंडेमिक के चलते जो समस्त सिटीजन जो हमारे राज्य के हैं हेलो हाँ ठीक है अब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले पलामू छात्र संघ को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम लोग के सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत, हेलो, हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि अब ऑन चल रहा है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के साथ फिर जो जैसे मेडिकल फील्ड अभी कोरोना जो कोरोना इशू है अभी मेडिकल फील्ड के लिए एक समस्या बनकर आई है ना। अभी कोई दवा बना है, इसके कोई दवा नहीं बना है तो इसका रिसर्च चल रहा है। अब साल 1.5 साल 2 साल इतना कम से कम तो समय जो है उनका रिसर्च में लगेगा ही कि भाई इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन क्या हो सकता है। और जब स्पेसिफिक मेडिसिन हो जाएगा तो फिर इसे तो घबराने की बात है नहीं, फिर जो सामान्य हो जाएगा। तो उसी तरह से आपका लीगल फील्ड में अचानक कहीं न कहीं किसी तरह का कोई समस्याएं आ जाती है। जब नया इशू आता है तो सारे लोग उसमें फिर लगते हैं कि भाई जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कोडिफाइड लॉ है, बहुत तरह के एक्ट है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, सारा चीज को लेते हुए, सारा चीज को देखते हुए फिर उसका अलग व्याख्या इंटरप्रटेशन होता है और तमाम तरह की बातें का व्याख्या उसमें होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आदमी कुछ कह दे या दो आदमी कुछ कह दे या चार आदमी कुछ कह दे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि इस तरह की इशू जब आती हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ में तमाम जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का है, नोटिफिकेशन गाइडलाइंस वगैरह को लेकर के इंटायर इंटरप्रटेशन उस पर होता है, उस पर व्याख्या होता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इस कंडीशन में इस प्रोफेशन के लिए, चाहे मेडिकल लाइन का हो चाहे आपका लीगल फील्ड का हो, किसी से कोई पर्सनली किन्हीं का कुछ होता नहीं है। किसी से कोई पर्सनली तो दुश्मन होता किसी का नहीं है। कोई अपना राइट को लेकर के आता है, हाई कोर्ट में जाता है कि भाई इस तरह का फंडामेंटल राइट हमको मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वायलेशन हो रहा है। तो लोग या तो इसको खुद लेकर के चले जाते हैं, मान लिए न्यायालय के सामने समक्ष, या फिर जो इसके एक्सपर्ट हैं जिस फील्ड के हैं, जैसे कोई सिविल इशू है, कुछ सर्विस लॉ है जिस फील्ड के हैं, टैक्स लॉ है, फिर आपका जो क्रिमिनल मैटर है, तो सारे लोग एक्सपर्ट यहाँ इस हर एक क्षेत्र में। जैसे मेडिकल लाइन में कोई ब्रेन का है तो कोई हार्ट का है तो कोई स्किन का है, कोई हार्ट का है, तो ये सब अपने अपने जो एक्सपर्ट हैं उनको वे सारे लोग अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट जो गाइडलाइंस हैं उसमें उसका इंटरप्रटेशन करते हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में मैटर को ले जाया जाता है। फिर वहाँ जो इंटरप्रटेशन होगा और जब कोर्ट डायरेक्शन देगा तो गवर्नमेंट को उसको पालन करना होता है, अनुपालन करना होता है। इसलिए कि जो भी जुडिशियल रिव्यू, जो अगर आगे आप लोग बहुत लोग इसमें आप लोग के साथ जुड़े हुए होंगे तो अभी बहुत लोग पढ़ रहे होंगे या उनका हमको तो पता नहीं है कि कितने लोग इसमें जो हैं क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएशन हैं या उससे भी ऊपर हैं, या पढ़ाई छोड़ करके कोई जॉब कर रहे हैं, या तो आपका इस यूनियन के बारे में, ऐसे छात्र संगठन है तो हमको तो यही लग रहा है कि सारे लोग इसमें मैक्सिमम लोग छात्र ही होंगे, स्टूडेंट ही होंगे। तो छात्र को ये समझना होता है कि केवल आपका जो एजुकेशन एजुकेशन डिग्री जो एजुकेशनल डिग्री है, एजुकेशनल डिग्री लेकर के पहले आप एजुकेशनल डिग्री लेते हैं, उसके बाद आप कंपटीशन वगैरह का तैयारी करते हैं, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने के बाद आप जॉब में जाते हैं, तो आपको अपने राइट के बारे में जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो जो आपका जो सब्जेक्ट है
कहीं ना कहीं आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भाग तो आपको मैट्रिक से लेकर के ही आपको लगभग थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ाया जाता है। ग्रेजुएशन आते तक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट, एक्चुअली हम तो साइंस का स्टूडेंट रह चुके हैं आपका जीएलए कॉलेज से, तो वहाँ पर तो हमको हम लोग को जो जिस समय जीएस वगैरह पढ़ाई होता था उसी समय हम लोग खास करके उतना ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था उसका हम लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन बाद में जब हम लॉ किए, लॉ करने के बाद जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब जब हम लॉ करने के बाद जब हम प्रैक्टिस शुरू किए, जब प्रैक्टिस शुरू किए तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में हमको जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ने का अधिक मौका मिला। और वहाँ से फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या शुरू हुआ, कोडिफाइड लॉ का व्याख्या शुरू हुआ। और जो हुआ जो आपका सब इंटायर जो इंटरप्रटेशन वगैरह जब शुरू हुआ, तो जब जब तक आप किसी फील्ड में आप उसका गहन अध्ययन नहीं करते हैं, गहन स्टडी नहीं करते हैं, तब तक आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप एक्टिव छात्र यूनियन हैं और छात्र संगठन हैं, जिला के हैं, प्रमंडल के हैं, स्टेट का हैं, तो आप अपने राइट्स, जो आपको राइट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आप अपनी राइट को समझिए। और राइट के साथ साथ जो ड्यूटी है, जो आपको बताया गया है कि दोनों राइट एंड ड्यूटी को रिलेटिव है, दोनों एक साथ चलते हैं, तो आपको उसी के अनुसार चलना होगा। नहीं तो आप अपने राइट को लेकर के आप ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, और ड्यूटी अगर आप नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना है, लॉ जो आपका है उस लॉ ड्यूटी अगर आप नहीं जानिएगा तो आपको डेग डेग पर, पग पग पर आपको जो कानूनी शिकंजा है उसमें फंसने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। आप जान तो गए कि हमको ये फंडामेंटल राइट्स मिला है या ये राइट मिला है, उस राइट को आप हमेशा इन्फोर्स कराने के उद्देश्य से काम करते हैं, और आप उस उद्देश्य से काम कराने के लिए आप उसमें आप अपनी मांग को रखते हैं। लेकिन अगर आप ड्यूटी कि हमको जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मदर ऑफ लॉ बोला जाता है, आप इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कोडिफाइड लॉ है जैसे पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड है और बहुत तरह की लॉ है, अगर उसका वायलेशन होता है, उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो आपके ऊपर तुरंत उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई करने की जो एजेंसियां बनी हुई हैं, जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, सारा लोग जो है आपको देखेंगे कि भाई इनका जो जो एक्शन बिहेवियर है, जो कार्य जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है। तो यही सब बात है, इंटायर चीज जो है इसे जुड़ा हुआ है। और शासन प्रशासन थोड़ा टफ, थोड़ा जटिल तो शुरू से ही है, और हाँ, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि छात्र संगठन को और मजबूत बनाइए आप लोग, थोड़ा अपने ड्यूटी को अच्छा तरह से निभाइए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दिया गया है उसको अच्छा तरह से निभाइए, लोगों का हेल्प कीजिए, आज के डेट में लोगों को बचाइए, दूसरे लोगों को प्रेरित कीजिए कि भाई कोरोना जो वायरस जो अभी इस तरह का जो सुरसा की तरह अपना जो मुंह खोले हुए है, और उससे लोगों को बचाइए। इससे ज़्यादा तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। और हमारे पास तो देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में तो जब तक कोई इशू आएगा नहीं, उस तरह का कोई वैसा मैटर आएगा नहीं, तो हम लोग तो स्पेसिफिक कोई ओपिनियन दे नहीं सकते हैं। यही हमारा जो आप लोगों का जो छात्र संगठन है, यही हम ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं आप लोगों को और बता सकते हैं कि भाई जो सरकार का गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए, सरकार का जो नोटिफिकेशन हुआ है लॉकडाउन का उसको फॉलो कीजिए, और
जो आपका ड्यूटी है उसको निभाइए। जब सारा सामान्य हो जाएगा तो फिर हम लोग अपनी राइट की बात करेंगे आगे, इससे ज़्यादा तो कुछ इसका कुछ मैटर है नहीं। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि सोनी कुमारी के केस का क्या फैसला हो सकता है, तो इसमें तो हम खासकर आज के समय में या अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मैटर जब कोर्ट में सब जुडिस है, दोनों तरफ से पिटिशनर साइड से, स्टेट साइड से और जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट है, सब अपना अपना पक्ष कोर्ट में रख दिए हैं, सारा लोग उस इशू पर बहस कर चुके हैं। हम लोग अपने बातों को या जो स्टैंड हम लोग तरफ से जो लिया गया, हम लोग अपने बात को रखे हुए हैं, उधर से स्टेट भी अपना पक्ष रखे हुए है, मैटर कोर्ट में सब जुडिस है। तो अब इसमें क्या फैसला आएगा, क्या जजमेंट आएगा, तो सारा कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। और कुछ लोग का जो है इसमें आ रहा है कुछ कि भाई हाँ कि जो आपका पॉलिसी है नियोजन नीति में क्या क्या आएगा, क्या जजमेंट आएगा, तो वही हम बता रहे हैं कि इस नियोजन नीति के लिए जो है वो तो मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, माननीय कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये है कि नहीं है, और जैसा जो कोर्ट आदेश देगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जजमेंट आगे देखा जाएगा क्या होगा, क्या हो सकता है। इसी के साथ यही कहा जा सकता है इसमें। और कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या होगा, तो यहाँ पर तो हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस सारा संभावनाओं में किसी तरह का जो कोर्ट का जजमेंट है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है इसका जवाब नहीं मिल सकता है, इसलिए कि कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ मैटर को डिसाइड करता है, अकॉर्डिंग टू जजमेंट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उसको डिसाइड करता है। तो इसमें हम तो केवल एक जुडिशियल सिस्टम का वहाँ पार्ट रहे हैं और अपनी बात को कोर्ट के सामने रखे हुए हैं कि जो नियोजन नीति बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, तो उधर से जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष रखा गया है कि नहीं अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे ही है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हाईकोर्ट जजमेंट ऐसे ही है। अब देखिए इसमें जो भी फैसला आएगा वो मैटर कोर्ट में सब जुडिस है, उसमें कोर्ट को निर्णय लेना है, कोर्ट को जजमेंट देना है कि क्या हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तब कब कितना दिन में आएगा, मेरा कहना है कि इसमें किसी तरह का जो है कहीं कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं है, कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं है कि कितना दिन में आएगा क्या होगा सो। और मैटर जब वहाँ रिजर्व कर लिया गया है, एक्चुअली मैटर जब वहाँ रिजर्व कर लिया गया है तो इस पर कुछ बोला नहीं जा सकता है। यही और देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है कि इसलिए देखिए इसमें इस तरह का जो भी बिंदु है इंटायर बिंदु पर जो है इंटायर पॉइंट पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि मैटर तो जो होगा वो होगा, जजमेंट आएगा देखा जाएगा। और तो इसमें कुछ विशेष तरह का रहा ही नहीं। हाँ दूसरा चीज हम छात्र संगठन को कहना भूल रहे हैं कि अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट आप लोग पंक्चुअल होइए, टाइम समय जो है बहुत बलवान होता है, जो लिमिटेशन है समय का जो टाइम है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर समय रहते आप जो भी आपका लीगल इशू है उस लीगल इशू पर अगर आप विद इन टाइम अगर आप कोर्ट आ गए हैं तो हो सकता है कि आपके फेवर में मैटर जाएगा, और विद इन टाइम के बाहर जाने पर
आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है उसमें, सभी जितने भी जो भी पिटिशनर होते हैं या जो भी होते हैं उनको अगर विद इन टाइम वे कोर्ट में नहीं आए, जो उनका जो लिमिटेशन पीरियड दिया है, तो उनको समस्याएं हो सकती है। तो सबसे पहले तो छात्र को पंक्चुअल होना पड़ेगा कि हम लोग पंक्चुअल रहें अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, इसलिए कि समय किसी के लिए बैठा हुआ नहीं रहता है। तो फर्स्ट बी पंक्चुअल, सेकंड आप अवेयर हुई है अपने राइट के प्रति कि जितने भी तरह का आपको राइट जो हम बताए आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और थर्ड जो आपका ड्यूटी हुआ है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आंध्र प्रदेश का मामला है वो फाइनल नहीं हुआ ना सर? ना, मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, वहाँ सुन करके रिजर्व, आंध्र प्रदेश का जो मैटर था उसको वहाँ सुन करके रिजर्व कर लिया गया है, और जब आएगा तो आएगा, अभी तक तो नहीं आया है। तो हम बोल रहे थे कि फर्स्ट आप पंक्चुअल होइए, सेकेंड पॉइंट हुआ आपका कि आप अवेयर हुए होना, आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने राइट के प्रति जो आपको राइट बताया गया है। थर्ड जो आपका ड्यूटी है, ये छात्र को, छात्रों स्टूडेंट के लिए ये तीन चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इनके एम्बिट में रहते हुए, इनके परिधि में रहते हुए अगर कोई काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम चांस जो है आपको अच्छा उसका परिणाम मिल सकता है। और अगर आप लिमिटेशन पीरियड के बाहर या अपने जो राइट है उसको न जान करके और जो ड्यूटी है उसको न जा करके अगर कहीं मामला को लीगल, खासकर लीगल फील्ड में अगर लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं या लीगल कोई जजमेंट या लीगल कुछ ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो अगर इस तीन क्षेत्र में आप नहीं आए, आप इस तीनों में पंक्चुअल नहीं हुए, तो आपको हो सकता है कि वो आपके लिए वो परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। थैंक यू, धन्यवाद।